कौन है छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय? बीजेपी ने उन्हें मुख्यमंत्री क्यों बनाया? उनके मुख्यमंत्री बनने से छत्तीसगढ़ में कितनी मजबूत होगी भाजपा? कैसे सरपंच से रहा उनका मुख्यमंत्री बनने तक का सफर? इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी पर। नमस्कार, मैं हूं स्वर्णा और आप देख रहे हैं अनकट। रायगढ़ से 4 बार सांसद रहे विष्णुदेव साय को छत्तीसगढ़ का नया मुख्यमंत्री बनाया गया है, लेकिन ये बात तो अब आपको सबने बता ही दी होगी। लेकिन क्या आपको ये पता है कि विष्णुदेव साय के परिवार का जनसंघ से पुराना रिश्ता है? वो कैसे, वो आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। पॉलिटिक्स की बात करें तो वो साय को विरासत में ही मिली हुई है। उनके दादाजी स्वर्गीय बुद्धनाथ साय 1947 से लेकर 1952 तक विधायक रहे थे। उनके पिता स्वर्गीय नर हरि प्रसाद साय जनसंघ के सदस्य थे। उनके पिता का भी छत्तीसगढ़ की राजनीति में काफी अच्छा खासा योगदान रहा है। अब बात करते हैं विष्णुदेव साय की। तो कुनकरी सीट से विधायक रहे साय को छत्तीसगढ़ का एक बड़ा आदिवासी नेता माना जाता है। इससे पहले वो भाजपा की तरफ से छत्तीसगढ़ के स्टेट प्रेसिडेंट रह चुके हैं। उनको मुख्यमंत्री बनाने की सबसे बड़ी वजह है छत्तीसगढ़ में आदिवासी समुदाय के लोगों का काफी ज्यादा होना। और अगले साल 2024 में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं और छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा की सीटें हैं और बीजेपी नहीं चाहती है कि ये सीटें उनके हाथों से जाए। 2019 की बात करें तो 2019 में बीजेपी को 11 में से 9 सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन इस बार बीजेपी वहां पर सभी सीटों पर जीत हासिल करना चाहती है और इस मिशन का फर्स्ट स्टेप ही साय को मुख्यमंत्री बनाना है। साय साहू यानी कि तेली कम्युनिटी से आते हैं, जिसका इन्फ्लुएंस छत्तीसगढ़ में काफी देखने को मिलता है, खास तौर से दुर्ग, रायपुर और बिलासपुर वाले इलाके में। तो ये सब सोचते हुए ही बीजेपी ने ये कदम उठाया है। अब थोड़ा विष्णुदेव साय के पॉलिटिकल करियर के बारे में भी जान लेते हैं। तो विष्णुदेव साय ने 1980 में बीजेपी को ज्वाइन किया था और छत्तीसगढ़ में भाजपा को स्ट्रांग बनाने के लिए उन्होंने जमीनी स्तर पर काफी मेहनत की। अपना पॉलिटिकल करियर उन्होंने सरपंच के तौर पर शुरू किया था और अब वो राज्य के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। लोकसभा सांसद के साथ ही साथ वो 2014 में बीजेपी के पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल का हिस्सा भी रह चुके हैं। 2018 में जब छत्तीसगढ़ में बीजेपी को हार मिली थी, तो उसके बाद इस हार को जीत में बदलने की जिम्मेदारी विष्णुदेव साय को ही मिली और उन्हें फिर से प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। हालांकि 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया था, लेकिन फिर अगस्त 2022 में उन्हें पार्टी की कमान सौंप दी गई थी और फिर पार्टी के बड़े नेता रमन सिंह ने इस्तीफा दिया, जिसके बाद वही सबसे बड़े सीएम उम्मीदवार थे और पार्टी ने उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर चुना। लेकिन उन्होंने भी अपनी जिम्मेदारी पूरी तौर से निभाई। जो बीजेपी 2018 में बुरी तरह से हारी थी, वही बीजेपी ने 2023 में छत्तीसगढ़ में जीत हासिल की। तो विधानसभा के चुनाव हो या फिर लोकसभा के चुनाव, दोनों ही चुनाव में विष्णुदेव साय की भूमिका कई बार काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट रही है। तो अब देखना ये होगा कि क्या विष्णुदेव साय लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 11 में से 11 सीटें दिलवा पाएंगे। खैर, जो भी होगा हम आपको अपडेट देते रहेंगे। आप जुड़े रहिए अनकट के साथ। इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अनकट को।